नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। द्वारका पुलिस ने एक बड़ी सफलता में एक समर्पित टीम ने 5 ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी के 10 दो पहिया वाहन, 1 ई रिक्शा और 2 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए। यह ऑपरेशन द्वारका के विभिन्न पुलिस स्टेशनों की कई टीमों द्वारा चलाया गया था। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति चोरी और मोटर वाहन चोरी के कई मामलों में शामिल पाए गए। एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड कि एक टीम ने 2 व्यक्तियों साहिल और शेख रिजवान को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के माध्यम से की गई थी। दोनों नशे की लत को पूरा करने के लिए वाहन चोरी की करने की बात कबूल की। उन्हें एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया, जिससे एक अन्य चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। द्वारका दक्षिण पुलिस की टीम ने चोरी और मोटर वाहन चोरी की घटनाओं में शामिल 2 सीसीएल व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर इन आरोपियों का पता लगाया गया। उन्होंने कई दोपहिया वाहन चुराए थे और उनके हिस्से बेचने के लिए उन्हें नष्ट कर दिया। चोरी के वाहनों को खरीदने के लिए और उनके हिस्सों को बेचने में शामिल एक अन्य सीसीएल सदस्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे और भी बरामदगी हुई। द्वारका सेक्टर 23 में पुलिस ने डकैती और चोरी के मामलों के इतिहास वाले कुख्यात अपराधी संजीव उर्फ इशु को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण के माध्यम से उसकी पहचान की गई और उसके कब्जे में एक अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच में चोरी हुआ ई रिक्शा और एक स्कूटी बरामद हुई। इन गिरफ्तारियों के माध्यम से चोरी और मोटर वाहन चोरी के कुल 17 मामले सुलझाए गए, जिससे चोरी के वाहन, नष्ट की गई मोटरसाइकिलें, स्पेयर पार्ट्स और मोबाइल फोन बरामद हुए। आरोपी व्यक्ति कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। संजीव उर्फ इशु के पास 8 डकैती, चोरी और मोटर वाहन चोरी के मामलों का पिछला रिकॉर्ड था। AATS और द्वारका के कई पुलिस स्टेशनों को समन्वित प्रयासों के परिणाम स्वरूप इन ऑटो लिफ्टरों की गिरफ्तारी हुई और चोरी के वाहनों की बरामदगी हुई। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि द्वारका क्षेत्र में सड़क अपराध को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस बल के समर्पण और सतर्कता को रेखांकित करती है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।